हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कैसे कर सकते हैं, या फिर आजकल ग्रे हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो ग्रे होने से बच जाएँ। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो डोंट वेस्ट मच मोर टाइम, लेट्स जंप इन टू द वीडियो। तो गाइज, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है और बहुत ही कम उम्र से लोग फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। मैंने बहुत सारे टीनेजर्स को देखा है जिनके ग्रे हो गए हेयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में। सो देखिए, बेसिकली कुछ तीन रीज़न होते हैं। पहला कि अगर आपकी हेरिडिटी है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में इस तरह के इश्यूज़ रहे हैं, अगर आपके नानी की फैमिली में और या फिर आपकी दादी की फैमिली में, अगर दोनों ही फैमिली में कुछ इस तरीके के इश्यूज़ हैं जहाँ पे कि हेयर जो है वो ग्रे हो जाते हैं कम उम्र से ही, तो ये पास ऑन होती है। तो इसमें आप कोई फिर आपको ऑप्शन हेयर कलर ही यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं तो भी आपके हेयर ग्रे हो जाना शुरू हो जाते हैं कम एज में ही। एंड द थर्ड थिंग कि आप बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड वाले शैम्पू हैं, कंडीशनर है या फिर हेयर कलर वगैरह यूज़ करते हैं, इन सब रीज़न से भी आपके बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं बहुत ही कम एज में। सो सेम इशूज़ विथ योर हेयर फॉल प्रॉब्लम। सो हेयर फॉल तो हम सभी को फेस करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में, उनकी प्रॉब्लम तो हम सभी को फेस करनी ही पड़ती है किसी न किसी रीज़न से। कभी हॉर्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो कभी स्ट्रेस की वजह से, तो कभी वेदर चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, प्लेस चेंज हो रही है, तो बहुत सारे रीज़न की वजह से हमारे हेयर फॉल होते ही होते हैं। तो इन सभी से बचने का एक ही ऑप्शन है कि अपना डाइट का अच्छा मेंटेन रखें। जो भी प्रोटीन रिच डाइट हमारे हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे रिक्वायरमेंट हमारे लिए नेसेसरी, हम उनको फॉलो करें। दूसरा है कि अपने बालों को केमिकल ट्रीटेड, बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं, लाइक आजकल लोग हेयर स्पा करा रहे हैं, उसके बाद स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है, कैरेटिन ट्रीटमेंट है, तो ये सारे ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे बालों को डैमेज करते हैं क्योंकि इसमें केमिकल होता ही होता है। सो हम केमिकल के थ्रू अपने बालों को स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, स्मूथनिंग करवाते हैं, तो उसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि हमारे बालों को ग्रे करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे हेयर का कलर ब्लैक ही पसंद रहा है, काफ़ी पहले से मैंने सुना है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन ब्यूटी जो होती है, हमारे इंडिया में शुरू से ही ब्लैक कलर, यानी कि ब्लैक कलर के हेयर को अच्छा माना गया है। स्किन टोन होता है वो भी डस्की कॉम्प्लेक्शन का होता है, तो उस पर ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है वहाँ के लोगों का, और वहाँ के बालों में डिफरेंट कलर सूट करते हैं। बट इंडियन स्किन टोन पे मैं कहूँ तो ब्लैक कलर ही सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है। बट आजकल लोग फैशन के जरिए में बहुत सारे कलर अप्लाई करते हैं अपने हेयर में, विच इज़ गुड। जिसको जो कंफर्टेबल या जो अच्छा लगता है ज़रूर करना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ब्लैक कलर ही पसंद है, और एक टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ करती थी। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि माई हेयर ग्रोथ जर्नी, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ करते थे, धूल धूप, केमिकल ट्रीटमेंट, पॉल्यूशन, इन सारे रीज़न से केवल हेयर फॉल ही नहीं होता, इनफैक्ट आपके हेयर का कलर भी चेंज होता है टाइम टू टाइम। सो ट्राई करती हूँ अपने बालों को नेचुरली ब्लैक रखने के लिए, कुछ टिप्स मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं अपने बालों में प्रॉपर जो शुद्ध सरसों का तेल होता है, या फिर नारियल का तेल, या आंवले का तेल, मैं खुद घर पर होममेड बनाती हूँ, इन चीज़ों को ही अपने मैं बालों पे अप्लाई करती हूँ। मैं डिफरेंट वेरिएंट्स वाले ऑयल अप्लाई करती हूँ। कई बार तो होता है कि मैं मिक्स करके कई सारे ऑयल अप्लाई करती हूँ। मैं बादाम का तेल भी यूज़ करती हूँ अपने बालों में। तो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ऑयलिंग इज़ गुड और नॉट गुड फॉर आवर हेयर, तो ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमारे बालों की कंडीशनिंग के लिए, हमारे बालों के कलर को मेंटेन रखने के लिए ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने अपनी बात बताई, मैं दो तीन तरीके के डिफरेंट हेयर ऑयल अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, और मेक श्योर कि वो शुद्ध ही हो। सरसों का हेयर ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, वो नेचुरल होते हैं। इसके लिए आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसको परचेज करिए, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से मैं अपने हेयर ऑयल को चूज़ करती हूँ। सेकेंड थिंग, मैं बहुत ज़्यादा अपने हेयर को वॉश नहीं करती हूँ। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मैं अपने हेयर को वॉश करती हूँ, और क्योंकि समर सीजन चल रहा है, आप हफ्ते में दो बार भी हेयर को वॉश कर सकते हैं, नो इश्यूज़। बट हेयर वॉश करने से पहले आप हेयर ऑयलिंग ज़रूर करिए, तो ये आपके बालों को डैमेज होने से काफ़ी हद तक बचाता है। दूसरी चीज़ कि आपको हेयर पैक ज़रूर अप्लाई करना चाहिए ट्वाइस इन अ मंथ। और मैं अपनी बात करूँ तो हमारी कंट्री में आया तब से, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने हेयर पैक लगाना बहुत ही कम कर दिया है। हालांकि अब मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे फिर से अपने बालों पे केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए और ये चीज़ें करनी चाहिए।
सो मुझे याद है कि लास्ट ईयर मैंने सिर्फ बहुत ही कम अप्लाई किया था, मतलब मंथली तो मैं नहीं लगा पाती थी, 3 से 4 महीने के बीच में ही मैं कोई हेयर पैक अप्लाई करती थी। सो हेयर पैक के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है विच इज़ हिना, वो भी नेचुरल और ऑर्गेनिक ब्रांड का होना चाहिए। तो हिना मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपके बाल थोड़े बहुत ग्रे हो गए तो आपको इंडिगो लीफ भी अप्लाई आपको करना चाहिए। तो आपके जो थोड़े बहुत हेयर ग्रे हो गए उसको कवर करने में इंडिगो लीफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये आपका 1 से 2 महीने चल भी जाता है। तो आपको बार बार कलर या मार्केट वाले हेयर डाई वगैरह नहीं यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ आंवला पाउडर, रिठा पाउडर एंड शिकाकाई पाउडर। तो ये तीनों का ब्लेंड अगर आप करके अपने हेयर को वॉश करते हैं, बट अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की है तो ये वॉश करने में उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही, अगर आपने ऑयलिंग नहीं की है, बहुत ही नॉर्मल सी ऑयलिंग की है, तब आप इस तरीके के पाउडर जो है वो मार्केट में मिलते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इससे आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। इसके अलावा आप आंवले का शैम्पू भी घर पर खुद बना सकते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आंवले के साथ साथ भृंगराज, जटामांसी, ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट हम इसको जाकर के मार्केट में सर्च करके खरीदना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जिन भी प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं हम उन्हीं को परचेज़ करके ख़रीदना प्रेफर करते हैं। और मुझे DIYs यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली अपने बालों पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है अपने बालों के लिए विच इज़ दही एंड द सेकेंड डिस्कस फ्लावर। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने बालों में अप्लाई करना। तो मैं आगे जब भी DIYs करूँगी या फिर अपने बालों में कुछ हेयर पैक वगैरह बनाऊँगी तो मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूँगी। इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, बिकॉज पहले ही जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैं इस तरीके की DIYs आप सबके साथ शेयर किया करती थी। बट यू नो ग्रेजुअली अभी मैं फ़िलहाल 2 साल से तो हेयर पैक बहुत अच्छे से अपने बालों में अप्लाई ही नहीं कर रही हूँ टाइम टू टाइम। सो अभी मैं रिसेंटली कुछ ही दिनों में करने वाली हूँ, तो जब भी मैं करूँगी डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो हेयर पैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके बालों पर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वर्क करता है, आपके बालों को धूल धूप डैमेज पॉल्यूशन से बचाने का काम करता है। इससे आपके बाल नेचुरल, आपके बालों का जो कलर है वो सेफ रहेगा। और अपने बालों में मैं बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करने से बचती हूँ, मतलब मैं हेयर स्टाइलिंग करती हूँ बट बहुत ज़्यादा कर्लिंग या फिर क्रिम्पिंग ये सब करने से मैं बचती हूँ, बहुत ही कम, मतलब ओकेजनली कभी कभार ही करती हूँ। और करने से पहले अपने बालों में अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल वगैरह या फिर हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे इस तरीके की चीज़ों को अप्लाई करने के बाद ही करती हूँ, बट मैं बहुत कम करती हूँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको बहुत ज़्यादा करने से बचना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट या बहुत ज़्यादा हीट अपने बालों को देते हैं, तो इससे भी आपके बालों को बाल डैमेज होने के और आपके बालों का कलर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बालों में मैं ब्लो ड्राई बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मैं अपने बालों को नेचुरली ड्राई करने में बिलीव करती हूँ। और बेसिकली मैं फ़ैन के नीचे या हवा में या फिर धूप में खड़े होकर के अपने बालों को सुखाना प्रेफर करती हूँ। सो ये कुछ टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करके आप अपने बालों को नेचुरली ब्लैक रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको अपने बालों में सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। शैम्पू के इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, जो शैम्पू आपके लिए सूटेबल होता है, जो इंग्रेडिएंट आपके लिए सूटेबल होता है वही यूज़ करिए। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप घर पर इजीली अपना शैम्पू बना सकते हैं। मैंने एक बार आप सबके साथ शेयर किया था कि हाउ टू मेक एलोवेरा शैम्पू एट होम, तब अपना एलोवेरा शैम्पू या फिर जो भी इंग्रेडिएंट आपका फेवरेट है, आपको अच्छा लगता है, उसको आप आसानी से उसको शैम्पू बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक सोप फ्री बेस लेना होता है, शैम्पू बेस एंड सोप बेस मार्केट में ईजिली आपको अमेजोन वगैरह पर मिल जाएंगे, तो उनको लेकर के और जो भी आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करके आप प्रॉपर अपना शैम्पू बना सकते हैं। या आपका मंथ में, मतलब आप इसको 1 वीक के अंदर आपको ख़त्म करना होता है, बिकॉज इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव या कुछ भी ऐसे नहीं ऐड कर रहे होते हैं। इसलिए इसके अलावा पहले के लोग बहुत ही नेचुरली यूज़ करते थे आंवला रिठा शिकाकाई को भिगा करके, मुझे याद है बहुत बचपन में मेरी मम्मी इस तरीके से किया करती थी, बट उसका जो स्टेन इतना ज़्यादा डार्क होता है कि अगर आपके हाथों पे भी लग जाता है तो जल्दी नहीं छूटता है। बट अभी तो ये करना पॉसिबल नहीं होता आज के बिजी लाइफस्टाइल में, तो मैं तो उसका पाउडर ही यूज़ करती हूँ। अपने हेयर पैक में भी मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ और कई बार शैम्पू के तौर पर भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। सो इस तरीके से मैं कुछ चीज़ों को ध्यान रखती हूँ। इसके अलावा आपको ट्रिमिंग जो है वो मंथ में एक बार ज़रूर ले लेनी चाहिए, तो ट्रिमिंग से भी जो भी आपके बाल नीचे से डैमेज होकर रहते हैं ना वो सही हो जाते हैं। एक बार आपके बालों में यू नो 2 महीने बालों की समस्या आ गई और आपने अपनी हेयर ट्रिमिंग नहीं कराई तो वो धीरे धीरे आपके बहुत सारे बालों को डैमेज कर देती है। और जब आपके बाल रफ फ्रिजी डैमेज से हो जाते हैं तो फिर बालों का कलर भी धीरे धीरे यू नो ख़राब होने लगता है, फिर ग्रे हेयर की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
तो इसलिए आपको इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। और रही बात डाइट की, तो आपको अपने डाइट में आंवला ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, स्पेशली आंवले के सीज़न में तो आपको भर भर के आंवला खाना चाहिए। एंड इस सीज़न में भी आप आंवले को यू नो आंवला कैंडी है या फिर आंवले का मुरब्बा है, इस तरीके से किसी भी फॉर्म में, आंवले की टॉफियाँ भी आती है मार्केट में, आपको आंवले को कंज्यूम करना है। आंवले की बर्फ़ी भी मिलती है। सो इस तरीके से अगर आप आंवले को कंज्यूम करते हैं तो आंवला आपके बालों को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आंवले के बीज भी उतनी ही इफेक्टिव है। मैं आंवले के बीज को उबाल करके जो भी मेरे ऑयल है, जैसे कि मैं सरसों का तेल जो है उसको आंवले के तेल में कन्वर्ट करने के लिए मैं आंवले के बीजों को सरसों के तेल में डालकर प्रॉपर भिगा करके अच्छी तरीके से बॉईल कर लेती हूँ। जब वो एकदम हाफ हो जाते हैं उसके बाद मैं उसको किसी कंटेनर में सेफ रख लेती हूँ और वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं ऑयल को काफ़ी टाइम तक यूज़ करती हूँ और मुझे आंवले के बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास नेचुरल आंवला हो तो उसके बीजों को कूट करके भी आप उसका पाउडर बना करके अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको आपने हिना पाउडर में, हिना पेस्ट में जो भी आप बनाते हैं उसमें मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए, तो उससे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। मैं प्याज वगैरह बहुत कम अप्लाई करती हूँ, ट्रस्ट मी, बिकॉज मुझे उसकी स्मेल उतनी पसंद नहीं है। हालांकि प्याज का जो रस होता है वो भी आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं हेयर पैक के लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो विच इज़ हिना। हिना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको नेचुरल लीव्स मिल जाए दैट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज़ आप नेचुरल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए। सो अपने बालों को केमिकल ट्रीटमेंट से बचाना है, धूल धूप डैमेज से बचाना है। हम कई बार पॉल्यूशन में निकल जाते हैं, इसी तरीके से अपने बालों को कवर नहीं करते हैं, बालों को हमेशा ओपन करके रखते हैं, बट ऐसी जगहों पर आप जा रहे हैं तो ज़रूर अपने बालों को थोड़ा सा सेफली रखें। सो इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने बालों को डैमेज होने से बचा सकते हैं, उनके बालों के नेचुरल कलर को सेफ रख सकते हैं। धूप में अगर आप निकल जाते हैं, जैसे हम अपने स्किन पे सनस्क्रीन लगाते हैं उसी तरह से बालों पे भी जब धूप हीट पड़ता है तो वो हमारे बालों को डैमेज कर देता है। तो आपको उस हीट से बचने के लिए आप अपने बालों पे क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपने बालों को यू नो कवर कर लीजिए, दैट इज़ ओके। सेकेंड थिंग, अगर आप हेयर पैक अप्लाई करते हैं रेगुलर बेसिस पे ट्वाइस इन अ मंथ, तो वो भी आपके बालों पे एज ए सनस्क्रीन लेयर वर्क करता है और आपके बालों को हीट और डैमेज से बचाता है। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके मैं अपने बालों को नेचुरली ब्लैक रखती हूँ। एंड आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो दैन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप कोई वीडियो सजेशन है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।